अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से मिलने के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू इस वक्त काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। अंजू इस समय पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हैं। अंजू और नसरुल्ला की शादी के दावों के बीच अब अंजू के पिता का बयान सामने आया है। अंजू के पिता गया प्रसाद का कहना है कि जिस समय उनकी बेटी भारत से पाकिस्तान चली गई उसी वक्त उनका रिश्ता उससे खत्म हो गया। अंजू के पिता गया प्रसाद ने कहा कि उसके दो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है। जिस तरीके से वो अपने दो बच्चों और पति को छोड़कर भागी है उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अगर अंजू को ऐसा करना था तो उससे पहले अपने पति को तलाक देना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि अंजू अब हमारे लिए जीवित नहीं है। गया प्रसाद ने कहा कि उसकी मेंटालिटी ठीक नहीं है वरना ऐसा कदम क्यों उठाती। अंजू को जो मर्जी है वो कर रही है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। कुछ लोग होते हैं जिनको सनक चढ़ती है कि मुझे ये करना है तो वही करते हैं। मुझे तो ये बात बोलने में शर्म आ रही है क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात। उन्होंने आगे कहा कि जो हुआ है वो बहुत शर्मनाक है। कुछ लोग होते हैं जिनको सनक चढ़ती है कि मुझे करना है तो वही करते हैं। मैं भी किसी काम के लिए मना करता हूं तो वो नहीं मानती। मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसी बेटी का बाप। हालांकि अंजू के पिता ने साफ तौर पर कहा कि उनके लिए उनकी बेटी अब जीवित नहीं है और पूरे तरीके से मर चुकी है। आपको बता दें कि अंजू और नसरुल्ला की शादी की खबरें भी पाकिस्तान से सामने आई हैं। हालांकि अंजू के दोस्त नसरुल्ला का कहना है कि उसने और अंजू ने अभी शादी नहीं की है और वो अंजू जैसा चाहेगी वैसा करना चाहेगा। बड़ी बात यह है कि अंजू अभी शादी के लिए राजी नहीं हुई है। अब ये देखना होगा कि ये मामला आगे क्या नया मोड़ लेता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।